नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ कलकत्ता एयरपोर्ट पे। अभी टाइम हुआ है सुबह के 4:10। अभी मैं जा रहा हूँ मेरे फैमिली के साथ मुंबई कुछ काम से, मतलब मेरा काम नहीं है, मेरे पापा का काम है। तो अभी हम मुंबई जाएंगे, तो आप ये ब्लॉग आगे देखते रहिए। और जिस लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन नीचे दिया हुआ है, वो लोग प्लीज़ जाए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी ऐसा बहुत ब्लॉग बनाते आऊँगा, तो आप देखते रहिए इस चैनल को। मेरा नेक्स्ट ब्लॉग होगा पूजा के ऊपर, तो आप देखते रहिए। देखिए आप, जैसे कि आप देख सकते हैं कोलकाता एयरपोर्ट। अभी मैं अंदर जाऊँगा चेकिंग के बाद। अभी मैं नॉर्मल चेकिंग करने के बाद, सिक्योरिटी चेकिंग करने के बाद मैं घुस गया हूँ कलकत्ता एयरपोर्ट के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल चेकिंग पे बहुत लाइन है। अभी मैं सेल्फ चेकिंग करूँगा, इसमें आपको दिक्कत है, इसमें आपको लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखेगा, अपना PNR नंबर डालने और अपना प्लेन का जो टिकट नंबर है वो डालने। तो मैं यहाँ पे अपना PNR नंबर डाल रहा हूँ, मैंने मेरा PNR नंबर उस पर डाल दिया। अगर आप चाहे तो आप टिकट का नंबर भी डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको डालने के बाद आप नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा, ऐसे एक विंडो खुलेगा। मेरा जेट एयरवेज का फ्लाइट है, इसलिए इसको थोड़ा टाइम लग रहा है। इंडिगो में ये बहुत फास्ट हो जाता है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद आपको सीट चूज करने का ऑप्शन आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी सीट अपना चूज करने वाला। मैं अभी अपना सीट चूज कर रहा हूँ। तो इसके बाद सीट चूज करने के बाद इसको नेक्स्ट कर दीजिए, ओके मार दीजिए, कंफर्म कर दीजिए और प्रिंट मार दीजिए, आपका टिकट चला है। मैं ये बोलना चाहूँगा सबको, अगर किसी को सेल्फ चेकिंग करना है, किसी ने ऑनलाइन टिकट बुक किया है मेक माई ट्रिप से कोई भी और साइट से, तो वो प्लीज़ जाए अपने बुकिंग के टाइम अपना सीट बुक कर ले। क्योंकि अभी आपको, अगर आप बुकिंग के टाइम सीट बुक नहीं करेंगे, तो अभी आपको अच्छा अपना मनपसंद का सीट नहीं मिलेगा फ्लाइट पर एकदम कन्फर्म। सो नाउ आई एम डन विथ माई सिक्योरिटी चेकिंग। सो नाउ इट्स टाइम फॉर वेटिंग। अभी वेट करना पड़ेगा बहुत देर तक। हम लोग का फ्लाइट है आपका 6:20 को। अभी टाइम हुआ है 3:05। अभी तक 1 घंटा 20 मिनट हम लोग को वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 घंटा 20 मिनट वेट करने के बाद हम लोग का फ्लाइट आएगा गेट नंबर 20 गेट नंबर कहा है उस तरह, जैसे गेट नंबर 20, 21 एंड नेक्स्ट इज 20। तो गेट नंबर 20 में हम लोग का फ्लाइट है, तो अभी वेट करना पड़ेगा। अभी नया खुला है कलकत्ता एयरपोर्ट पर। इसका देख सकते सब लोग इससे किस तरह से जा रहा है, जैसे देखिए मैं जा रहा हूँ उस पर। देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे कुकी मैन कुकी का शॉप, यहाँ पे सब फ्लाइट खड़ा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सब फ्लाइट खड़ा है। ये सब जो सीट आप देख रहे हैं, ये है जेट एयरवेज का बिजनेस का सर प्रीमियम क्लास का सीट। इस सीट का फेयर है कम से कम 17 से 20 हज़ार रुपये के अंदर। मेरा बॉम्बे जा रहा है, तो मेरा नॉर्मल टिकट का फेयर 3,000 रुपया था और इसका फेयर 20,000। अब समझ सकते हैं डिफरेंस कितना होगा। तो अब मैं मेरा सीट ढूंढूंगा, उसके बाद बैठ जाऊँगा आराम से, क्योंकि मैंने रात भर सोया नहीं है, अभी सोने का टाइम है। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसे मैं खींच के दिखा रहा हूँ। इसमें आप अपना टैब रख सकते हैं, अपना किताब रख सकते हैं, अपना फ़ोन रख सकते हैं। ये एक अच्छे स्टैंड की तरह काम करता है, ये अच्छा है। ये आपका फूडिंग टेबल है, यहाँ पे अपना खाना खा सकते हैं जब फ्लाइट हवा पे होगा तो। और वहाँ पे USB चार्जर का पॉइंट भी था, लेकिन वो चार्ज काम नहीं करता था। तो अभी बाहर का सीनरी आप देख सकते हैं, बाहर का, बाहर पे आपका लगेज लोडिंग हो रहा है प्लेन के अंदर। मैं यहाँ पे कुछ पक रहा था, लेकिन वो प्लेन के साउंड की वजह से आया नहीं ठीक से। तो आप देखिए यहाँ पे सामान लोडिंग हो रहा है। जैसे सामान लोड हो जाएगा, उसके बाद प्लेन तैयार हो जाएगा चलने के लिए। तो
उसके बाद मैं फिर से सो जाऊंगा, क्योंकि मेरा अभी कोई काम नहीं है, मेरे को सोना है बहुत, मैंने रात भर सोया नहीं। तो आप लोग नीचे जाइए, नीचे नीचे चैनल के नीचे वीडियो के नीचे देखिए, आपको मिल जाएगा लाइक शेयर शेयर का बटन ऑप्शन। जल्दी से जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड आगे देखते रहिए वीडियो को, आगे बहुत कुछ आने वाला है। लास्ट की तरफ से ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर बहुत कुछ देखने लाइक। मेरा फ्लाइट लैंड हो चुका है मुंबई एयरपोर्ट पे। तो ये है मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं आपको एक और बात बोल देता हूँ, जो जेट एयरवेज, विस्तारा, एयर एशिया, इन सब का फ्लाइट है, ये आपका मुंबई का टर्मिनल 2 में उतरता है, मतलब इंटरनेशनल टर्मिनल। तो अगर आप कभी भी फ्लाइट बुक करें, अपना गाड़ी बुक करें, तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि फ्लाइट कहाँ पर उतर रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट टर्मिनल से इंटरनेशनल टर्मिनल का डिस्टेंस है अप्रॉक्स 5 to 6 kilometers। इट विल टेक्स यू मोर देन 30 minutes टू गो फ्रॉम इंटरनेशनल टू डोमेस्टिक। तो ये आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुपर एयरपोर्ट है, सुपर मेरा देखा हुआ आज तक का सबसे अच्छा एयरपोर्ट। यहाँ पे आपको दीवार पे इतना कुछ दिखने के लिए मिलेगा ना, आपका मन खुश हो जाएगा। यहाँ पे उतर के लगा कि आए हैं कहीं जगह, मतलब बोलते ना सपनों का नगरी, यही देख के लगा कि ये सपनों का नगरी। बहुत मस्त जगह है मुंबई एयरपोर्ट का इंटरनेशनल टर्मिनल, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे बहुत पेंटिंग दिखा रहा है, पेंटिंग है बहुत तरह का। हम लोगों का गाड़ी पहले से अभी हम जा रहा है, अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी पकड़ने, क्योंकि अगर आप मेरे को ड्राइवर ने बोला कि आप थोड़ा रास्ता क्रॉस करके खड़े हो जाइए रोड, आपको कम घूमना होगा, क्योंकि हमको जिस तरफ जाना था माडोल की तरफ, वो एयरपोर्ट उस साइड से कम घूमना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं ये फ्लाईओवर जो सीधा आपको एयरपोर्ट पहुंचा देगा अंधेरी से, बहुत अच्छा फ्लाईओवर है, उसके ऊपर बहुत पेड़ लगा हुआ है। मैं आपको ये वीडियो रिटर्न के टाइम दिखाऊँगा अगर मेरे पास होगा तो, क्योंकि उस टाइम बहुत खड़ी में रहूँगा तो शायद नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि ये है आपका पार्किंग एरिया मुंबई एयरपोर्ट का। मेरा बहन आ रहा था चल के, जो भी है उसके बारे में छोड़ दो, उसको अपनी तरह रहने दो। अभी हम जा रहे हैं, अभी मैं चढ़ गया हूँ गाड़ी पे, अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ। यहाँ पे थोड़ा रुका हूँ रास्ता पूछने के लिए, उसके बाद जा रहे हैं। चलिए हेलो। सुबह से मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, अभी मेरे को खांसी हुआ था, बुखार हुआ था, अभी मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। अभी मैं जा रहा हूँ दूर भी, मैंने दवाई लिया है,
सिर्फ आपको जुहू बीच में गणपति विसर्जन दिखा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं जुहू बीच गणपति का विसर्जन देखने, ऑटो तो ऑटो नहीं मिल रहा था। अभी आप ऑटो इतना कम क्यों देखो, जाना नहीं जाता था जुहू बीच तो जाना नहीं जाता था जुहू बीच क्यों जाना जाना यहाँ तो सुबह 9 बजे निकलता हूँ, मिल गया हम लोग उसको जो छोड़ देगा। हम अभी जुहू बीच पे पहुँच चुके हैं, अभी हम हैं जुहू बीच पे हैं, हम अभी हम जुहू बीच पे हैं, हम पहुँच चुके हैं जुहू बीच पे। फिर आप लोग देख सकते हैं पीछे वाला, अभी मैं हूँ जुहू बीच पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे कोई गणपति है नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे विसर्जन स्टार्ट नहीं हुआ है। उस तरफ देखिए वो ये दूर पे जो बीच है एकदम आपको दिख नहीं रहा होगा, वहाँ पे भी विसर्जन हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई विसर्जन चालू नहीं हुआ है। तो मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बोला है एक भैया ने कि यहाँ पे छोटा गणपति आता है, बड़ा गणपति इस तरफ आता नहीं, क्योंकि इस तरफ का गेट छोटा है। तो मैं जा रहा हूँ उस तरफ जहाँ पे बड़ा गणपति आता है, वहाँ पे बहुत भीड़ लगा हुआ है, मेरे को फ़ोटो खींचने जाना है। तो अच्छा फ़ोटो आएगा तो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगा इस वीडियो के अंदर ही। तो आप लोग देखते रहिए इस चैनल को, पहले आपको बीच दिखा देता हूँ एक बार, जुहू का बीच, फिर आपको जुहू का बीच एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यह है पूरा जुहू बीच, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जुहू बीच बहुत गंदा है यार, मेरे को बहुत गंदा लगा। वहाँ पर बैंड का प्रोग्राम हो रहा है उस साइड पर, क्योंकि मेरे को बीच बहुत गंदा लगा, जो भी हो लेकिन इतना गंदा होना नहीं चाहिए ब्रिज। तो यहाँ पे मछली मार मर के पड़ी है। आप जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये बीच तो अच्छा है मतलब, लेकिन यहाँ पे मछली का इतना बदबू आता है, मतलब क्या बोलूँ, बहुत बदबू आता है यहाँ पे मछली का, और यहाँ पे बहुत गंदी गंदी हालत है। देखिए मछली लोग पड़ा है यहाँ पे, काफ लोग खा रहा है, जो भी हो यहाँ पे बहुत गंदी हालत है। यहाँ की गवर्नमेंट को देखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा टूरिस्ट प्लेस है घूमने के लिए, और यहाँ पे अगर ऐसा हालत होगा तो कैसे चलेगा। बाद में आते हैं,
Thank you.